कंस्ट्रक्शंस में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। कि अगर मुझे कोई लाइन सेगमेंट दे रखा हो तो उस लाइन सेगमेंट को मैं डिवाइड कैसे करूंगा। डिवाइड करने का मतलब ये है कि मुझसे ये अगर पूछा जाए कि आप एक लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करिए और मुझे दो पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है ना, उन दो पार्ट्स का मुझे रेशियो दे रखा होगा। एक तो ये हो गया कि किसी लाइन को आप 50-50 डिवाइड कर दो, बाइसेक्ट कर दो, आधा आधा कर दो, तो वो तो चीज अलग हो गई, वो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोग जानते हैं, हालांकि वो भी बता दूंगा ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए हमको कोई रेशियो दे रखा है, उस रेशियो में किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है तो किस तरीके से करेंगे ये देखना है हमको। तो इसमें मैं आपको ना जैसे एक्सरसाइज है तो मैं एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ और एक ही क्वेश्चन है इसमें लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने का ठीक। या चलिए ठीक है ना, ये करिए, उसके बाद मैं आपको बाकी क्वेश्चन कैसा है वो मैं आपको दूंगा। देखो ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 219 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहे हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट सर, हाँ सर एक बार ये बता देना किस कंस्ट्रक्शन में हमें स्केल यूज करके मेजर करना है या नहीं करना, वो मैं बता दूंगा। हाँ वो मैं बता दूंगा। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ, लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8 फुल स्टॉप। मेजर द टू पार्ट्स, मेजर द टू पार्ट्स। अब देखिएगा आपको क्या करना है इसमें। सबसे पहला इन्होंने क्या आपको बोला है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर का आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और उस लाइन सेगमेंट को आपको 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो किस तरीके से होगा ये देखिएगा। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ऐसा करना है कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा, इसको बोल दीजिए ए बी, और इसकी जो लेंथ है ना ये है 7.6 सेंटीमीटर। मैंने 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया और उस लाइन सेगमेंट को मैंने बोला ए बी। अब इस ए बी लाइन सेगमेंट को मुझे 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो लाइन ए बी है ना, इस ए बी लाइन से कोई भी एक एक्यूट एंगल लेंगे, कोई भी एक एक्यूट एंगल लेकर, और आप क्या करिएगा कोई भी एक एक्यूट एंगल लेकर आप यहां पर एक लाइन बना दीजिए जैसा आपको मन करे। एक्यूट एंगल मतलब एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा जैसे मान लीजिए मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी और इसको मैंने बोल दिया ए एक्स, इस लाइन को मैंने बोल दिया ए एक्स। तो कोई भी एक्यूट एंगल लो 30 डिग्री 20 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी एक्यूट एंगल है तो मुझे एंगल मेजर करके और इसको लाइन को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है आपको। आपको यहाँ पर स्केल रखना है और स्केल रखकर आपको इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है यहाँ पर सीधा। वो करने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्केल है तो उस स्केल में आपकी मर्जी है
आप एक काम करेंगे कि सेंटीमीटर स्केल ले लो या आप इंचेस वाला स्केल ले लीजिए। जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है उसमें एक तरफ सेंटीमीटर होता है और एक तरफ इंचेस होते हैं। तो आप क्या करिएगा कि जो रेशो दे रखा है ना, मुझे रेशो क्या है 5:8, आप इन दोनों को ऐड कर लो, यानी कि आप कर लीजिए 5+8 कितना हो गया 13। तो आप क्या करो, आप स्केल लेकर और एक एक सेंटीमीटर पर आप 13 मार्क्स लगा लीजिए अलग अलग, एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आप क्या करेंगे, आप स्केल रखकर और यहाँ पर एक मार्क 1 सेंटीमीटर पर, ठीक है, ऐसे आप 13 मार्क्स लगा लेंगे। जैसे एक मार्क हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो ये टोटल 13 मार्क्स लगा लिए आपने, कितने कितने दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। आपको अगर लगता है कि नहीं 1 सेंटीमीटर थोड़ा छोटा रह जाएगा, मैं समझ नहीं पाऊंगा ठीक से, तो आप चाहे 1-1 इंचेस की दूरी ले लीजिए, ठीक है, लेकिन इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए। तो 1-1 सेंटीमीटर हमने लिया, ठीक। 1-1 सेंटीमीटर लेने के बाद में अब क्या करेंगे, जो ये हमारी लाइन है एबी, आप क्या करेंगे यहाँ पर ये जो लास्ट वाला है 13th पॉइंट जो है, आप 13th पॉइंट को बी से एक स्केल रखकर ड्राइव कर देंगे। कर दिया। अब ये करने के बाद में आपको क्या करना है, अब आप कंपास लेंगे, एक मिनट वेट करिए। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कंपास ले लिया, कंपास है ना, ये कंपास आपने लिया, यहां पर आपने लगाई पेंसिल कंपास में। तो अब मुझे क्या करना होगा इसमें, अब समझने की कोशिश करना होगा बेटा, किसी को नहीं आया ना तो प्लीज बताना, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस अगर होती तो मैं आपको पेपर पर ही करके दिखाता, आप सबकी नोटबुक में ही करके दिखाता, आपसे करवाता। तो इसलिए मैं इस पर जैसे भी बताऊंगा आप समझने की कोशिश करना। मुझे क्या करना है, मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या करा, एक लाइन सेगमेंट बना लिया ए बी, है ना, और वो मैंने ले लिया 7.6 सेंटीमीटर का। तो ये कैसे बनाऊंगा मैं स्केल से। उसके बाद फिर मैंने क्या करा कि यहाँ से एक लाइन बना ली किसी भी एंगल पर, इसका मतलब क्या करा, मैंने किसी भी एंगल पर ऐसे स्केल रखा और स्केल रखकर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइंट, स्ट्रेट लाइन बना ली काफी लंबी, ठीक है। तो वो जो स्ट्रेट लाइन बनाई हमने, उस स्ट्रेट लाइन पर आपने एक एक सेंटीमीटर के कितने मार्क्स लगा लिए, आपने एक एक सेंटीमीटर के अंतर पर 13 मार्क्स लगा लिए। 13 मार्क्स क्यों लगाए हैं, क्योंकि 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 5+8 13, वो कर लिया। वो करने के बाद में जो आखिरी वाला मार्क है 13th वाला मार्क, उससे आपने लास्ट पॉइंट लाइन का ज्वाइन कर दिया। ये करने के बाद में अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पर एक आर्क लगा देनी है, कैसी भी आर्क, कितने भी रेडियस की आर्क। तो जैसे हमने कंपास में यहाँ पर पेंसिल फिट कर लिया, कंपास में पेंसिल फिट करने के बाद में आप कंपास का जो ये नीडल है, यानी कि कंपास का जो पॉइंटर है और ये पेंसिल है, इसको कैसे यूज करेंगे, कंपास का जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर को आप रखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है, आपने इसको इस पॉइंट पर रखा और इस पॉइंट पर रख के आपने यहाँ पर एक आर्क लगा, ठीक है, कंपास का नीडल यहाँ पर रखकर आपने एक आर्क लगाई, ठीक। ये ऐसे हो जाएगा कि कंपास का नीडल मैंने यहाँ रखा और ऐसे एक आर्क लगा लिया, कितना भी बड़ा लिया कितना भी छोटा, तो हमने एक आर्क लगा लिया। पहले ये बताइए, इतना समझ में आ गया, जो एक आर्क लगाई है yes, एक्स पे रखना है ना, हाँ ये एक्स पर नहीं रखे बेटा, एक्स से जस्ट पहले जो 13th वाला पॉइंट है, यस सर, है ना, मैंने कितने पॉइंट लगाए, एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने 13 पॉइंट लगाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13th। 13th पॉइंट पर कंपास का नीडल रखो, कितना भी रेडियस हो, और ऐसे आप एक आर्क लगा लो। ये आर्क लगाने के बाद फिर से कंपास उठाना है आपको, फिर से कंपास उठाएंगे और कंपास का नीडल रखेंगे अब इस पॉइंट पर, यहाँ पर, ठीक है, कंपास का नीडल इस पॉइंट पर रखकर और ऐसे नीडल रखकर, और आप ये दूरी नापेंगे, ये दूरी कितनी है, ये वाला डिस्टेंस आप नापेंगे कंपास में, ये वाला नीडल यहाँ पर रखेंगे
और ये इस तरीके से आप इसको मेजर करेंगे। नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते। ठीक, दोबारा से समझिएगा, कंपास का नीडल रखोगे यहाँ पर और पेंसिल पेंसिल को आपको मतलब थोड़ा खोल कर बंद करके आपको उसको एडजस्ट करना है कि ये वाला डिस्टेंस आपके पास आ जाए कंपास में। बताइए समझे कि नहीं समझे? हाँ जी सर। फिर से बता दो। हाँ जी हाँ जी, दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा से देखिएगा कि हमने अब इसमें क्या करना है कि कंपास का नीडल जो है वो इस पॉइंट पर रखना है। कंपास का नीडल मैं रखूंगा इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर रखकर मैं कंपास को एडजस्ट करूंगा। आप देखिएगा सर। हाँ सर प्लीज, आप एक बार स्टार्टिंग से ही बता दो, मैं अभी थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने। अभी बता रहा हूँ, एक मिनट रुको, अभी बता रहा हूँ। कंपास का नीडल रखूंगा मैं इस पॉइंट पर, ठीक है? ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये कंपास है, ये कंपास है और ये पेंसिल लगी हुई है। तो कंपास का जो नीडल है इसको मैं कहाँ रख रहा हूँ? इस नीडल को मैं रख रहा हूँ बेटा इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, दिखाई दे रही मेरी फिंगर? यस सर। ठीक है, ये 12th पॉइंट है। ये 12th पॉइंट नहीं है बेटा, ये 13 है, 12th पॉइंट तो ये है। ये 13th पॉइंट पर मैंने कंपास का नीडल रखकर और ऐसे एक कर्व बना लिया था, एक आर्क बना ली थी। तो ये 11th और 12th पॉइंट के बीच में है कहीं पर। आप थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हो बड़ा बना लो, कोई फर्क नहीं। सर तो ये डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, कितना भी ये जो आर्क है ये कितनी भी लगाओ। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी बड़ी लगाते हैं आर्क। ने क्या करा कि यहाँ पर कंपास का नीडल रखा और ये थोड़ी बड़ी आर्क लगा ली। ठीक है, अब ज्यादा भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब बड़ी आर्क लगाई और बड़ी आर्क लगाने के बाद अब कंपास का नीडल यहाँ पर रखूंगा और कंपास को मैं ऐसे एडजस्ट करूंगा इस तरह से। हमने कंपास का नीडल यहाँ रखा और कंपास को हमने इस तरह से एडजस्ट किया, एडजस्ट किया। ठीक है, तो मेरे पास अब इसमें डिस्टेंस आ गया। बताइए नहीं समझे? एक मिनट वेट करिए, बस एक मिनट वेट करिए। देखिए हमने क्या करा, हमने ये एक लाइन ड्रॉ करी है एबी 7.6 सेंटीमीटर की। बिल्कुल शुरुआत से बता रहा हूँ, सेक्शन समझना। हमने एक 7.6 सेंटीमीटर की लाइन है, उस 7.6 सेंटीमीटर को लाइन को मुझे को 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड किस तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन इधर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसकी हमें कोई ऐसा जरूरत भी नहीं है, मुझे बेसिकली इस डायग्राम की जरूरत है तो मैंने थोड़ा फोकस यहाँ पर करा है। ठीक है, तो समझिएगा कि अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी और फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी कैसी भी, लेकिन काफी लंबी लाइन ड्रॉ करूंगा, एटलीस्ट इतना कि 13 सेंटीमीटर से लंबी हो वो लाइन। क्यों? क्योंकि 5:8 जो रेशियो है, मैं इसको दोनों को ऐड कर लूंगा, 5+8 को ऐड कर लूंगा, तो वो ऐड करके मेरे पास आ जाएगा 13। ठीक है, तो अब 13 मार्क्स लगाने मेरे को, एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर मैं 13 मार्क्स लगाने वाला हूँ। तो देखिएगा कैसे होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मार्क्स लगा लिए। अब जो 13th मार्क है, इस 13th मार्क से मैंने स्केल रखकर इसको बी को ज्वाइन कर लिया, एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर ली। इतना बता दीजिए, सभी को क्लियर है ना? यस सर। यस चलिए सर। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ इसमें देखिएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर कंपास का नीडल रखा, ठीक? देखिएगा ये कंपास है मेरे पास, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ठीक, ये कंपास है, कंपास का नीडल मैंने यहाँ रखा, इधर इधर इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर कंपास का नीडल रखा और ऐसे एक आर्क मैंने घुमा दिया। यहाँ पर हमने ये लिया और ऐसे रखकर ये आर्क मैंने ऐसे घुमा दिया, समझ गए? तो ये हमारे पास ये आर्क आ गया ऐसे। अब ये करने के बाद में मैं फिर से कंपास को उठाऊंगा और कंपास को उठा के अब जो कंपास का नीडल है, अब कंपास के नीडल को बेटा इस पॉइंट पर रखूंगा, इस पॉइंट पर। यहां पर मैंने कंपास का नीडल रख दिया, ठीक है, इस पॉइंट पर नीडल रखा और फिर इसको ऐसे खोलकर मैं नीडल को ऐसे लगाऊंगा इस पॉइंट पर फिक्स करके, और मैं पेंसिल को यहां इस पॉइंट पर फिक्स करूंगा जहां पर ये आर्क इस लाइन को कट कर रहा है। कंपास का नीडल यहां होना चाहिए और
पेंसिल यहाँ होनी चाहिए, बताइए समझ गए? कंपास का नीडल यहाँ पर और पेंसिल यहाँ पर, बताइए सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. देख पा रहे हो ना? Yes, sir. कंपास का नीडल यहाँ और पेंसिल यहाँ, तो मैंने ये नाप लिया। अब मेरे पास ये जो है ना, ये एक रेडियस आ गया इसमें, इसको अब मैं छेड़ूंगा नहीं क्योंकि ये मैंने फिक्स करा है, कंपास का नीडल यहाँ पर और पेंसिल यहाँ पर, ठीक। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने लगाया 13th वाले पोजिशन पर, ठीक है। रेशो क्या दे रखा था बेटा, देखिए इधर रेशो क्या दे रखा था, 5:8। तो अब मैं फिफ्थ वाले पॉइंट पर जाऊंगा, कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, ये फिफ्थ वाला पॉइंट है, ठीक है। फिफ्थ वाले पॉइंट पर आपको क्या करना है, यहां पर कंपास का नीडल रखो, और कंपास का नीडल रख के ये जो मैंने रेडियस ले रखा है ना, ये जो मैंने इस पे रेडियस ले रखा, अब मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, जैसा ले रखा वैसे ही रहने दूंगा, और मैं यहां पर एक आर्क लगा दूंगा, ऐसे लगा दिया मैंने आर्क, और फिर रेडियस को मैंने छेड़ा नहीं, जैसा था वैसे ही रहने दिया। और अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर कंपास का नीडल रखकर, इस पॉइंट पर कंपास का नीडल रखकर, और यहां एक आर्क लगा दूंगा, ये हटा रहा हूं मैं, मैंने अब कंपास का नीडल रखा यहां और यहाँ एक आर्क लगा दिया, बताइए जी समझ में आया कि नहीं सर? यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल सेम रहेगा। ये जो मैंने यहाँ पर जो डिस्टेंस मेजर करा था ना, इसमें जो मैंने इसमें डिस्टेंस मेजर करा था, उसको सेम रखना है बिल्कुल। ये डिस्टेंस कौन सा है दोबारा समझिए, और ज्यादा अच्छे से आप समझना चाहते हो तो आप एक काम करिए, देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा है, सबसे पहले मैंने डिस्टेंस की, एक मेरी वीडियो दिखाई दे रही है सभी को? क्या हो गया, देखिए दोबारा से बताते हैं। हमने कहा कि सबसे पहले ये लाइन बना ली, फिर एक लाइन ऐसे बना ली, और फिर इस पर 13 पॉइंट्स, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जो आखिरी पॉइंट था इसको मैंने पॉइंट बी से ज्वाइन कर लिया, ये भी आ गया होगा। फिर आप क्या करो, फिर आप किसी भी तरीके की परवाह मत करिए, इसको जितना मर्जी आप उतना रखिए, जो आपको रेडियस रखना है इसका रखो। तो आपने मान लो इतना गैप ले लिया नीडल में और पेंसिल में, आपने इतना गैप ले लिया। अब ये गैप लेने के बाद में आपने क्या करा, आपने इसको यहां रखा, एक आर्क लगा लिया, 13th पॉइंट पर रखकर आपने एक आर्क लगा लिया। फिर आप क्या करो, सेम रखो उसको, चेंज मत करो। पहले आपने रैंडमली कितना भी ले लिया, फिर आपने यहां पर एक आर्क लगा लिया, ऑब्वियसली बात है वो आर्क इस लाइन को काटेगा ऐसे। फिर इधर आपने क्या करा, फिफ्थ पॉइंट लिया, 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ पॉइंट पर इसको रखकर फिर आपने एक आर्क लगा लिया, फिर आपने एक आर्क लगा लिया। बताइए ये जो दो आर्क लगाए मैंने रैंडमली, ये तो समझ में आ गए? Yes, sir. ठीक है, अब ये दो आर्क लगाने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, फिर मेरा एक छोटा सा काम है, इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं। हमने पेंसिल को, सॉरी नीडल को यहाँ रखा, नीडल को यहाँ रखा और पेंसिल को इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ रख दिया, ठीक है, पेंसिल को यहाँ रख दिया। अब मेरे पास एक फिक्स रेडियस आ गया इसके अंदर, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इस रेडियस को फिक्स रखते हुए मैं वापस से यहां पर आऊंगा इस जगह, ये जो मैं ऑलरेडी कर्व लगा चुका हूं, ये मैंने फिफ्थ वाले पॉइंट पर से लगाया था कर्व। अब मैंने नीडल को यहां रखा और एक आर्क नीडल को यहां रखते, नीडल को यहां रखा और एक आर्क यहां लगा दिया, नीडल को यहां रखा और एक आर्क यहां लगा दिया ऐसे,
बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। अब क्या करना है, ये जो है फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट, पांचवे पॉइंट से इस कर्व को टच करते हुए इस लाइन पर ऐसे ज्वाइन कर दीजिए आप, ठीक है, इस लाइन पर ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो आर्क लगेगा ये यहाँ लगेगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये जो लाइन बनेगी ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल बन जाएगी, ये ऐसी होगी, ठीक है, ये यहां पर कर्व लगा था और ये इस लाइन के पैरेलल बन गई और इस पॉइंट को बोल दीजिए सी। बताइए जी, समझ में आ गया? यस सर। हाँ बेटा बताओ। सर जो आपने फिफ्थ पॉइंट पे रख के आर्क बनाया है सर, वो मेरे सेकंड नंबर के पॉइंट पे टच हो रहा है। कौन सा सेकंड नंबर? अच्छा यहाँ इस पर। यस सर। होने दो, कोई बात नहीं सर, पेंसिल से जो लाइन बन रही है ना सर, वो टू पे बन रही है। नहीं नहीं, एक मिनट, आप देखो आपने क्या करा, आपने 13th पॉइंट पर कंपास का नीडल रखा और यहाँ पर एक ऐसे आर्क लगा दिया, एक आर्क इस तरीके से लगा दिया। अब जैसे आपने ऐसे आर्क लगाया है तो ये आर्क लगाने के बाद में अब क्या होगा, अब इसमें, अरे आप लोगों को पेन पेपर पर करके दिखाऊं क्या, अगर दिक्कत आ रही है तो? Excuse me sir. हाँ जी सर, जो आपने सेकंड आर्क लगाया वो आपने फिफ्थ पॉइंट पे क्यों रख के लगाया? फिफ्थ पॉइंट पर क्यों? क्योंकि मेरे को रेशो बनाना है 5:8, ये रेशो बनाना है 5:8, ये लेकर चलना है रेशो। तो सर 5.8 हम मेजर करके फिर वहां से आर्क लगा देते हैं। नहीं 5.8 नहीं है बेटा, 5:8 है, 5:8 नहीं समझे, दोबारा बताऊं? नहीं सर आ गया। मतलब ये जो लाइन है ना, जो लाइन ओरिजिनल जो लाइन दे रखी है ये AB, मुझे इस AB को 5:8 रेशो में डिवाइड करना है। तो आप ये देखो कि हमने ये 13 पॉइंट्स लगाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और जो ये 13th पॉइंट है, इस 13th पॉइंट से मैंने इसको B को, 13th पॉइंट से मैंने B को ज्वाइन कर दिया। अब करने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि यहां पर आपने एक आर्क लगाया ऐसे, चलो आप एक मिनट रुकिए सभी बच्चे, मैं ना आपको पेन पेपर पे करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद उससे ज्यादा ढंग से समझ में आया, बस एक मिनट या दो मिनट वेट कर लीजिए बस, ठीक है, अभी बताता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ, मिलता है तो बताना। स्केल है, स्केल में आप ये देख लीजिए, ये आपको डिविजन्स दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर इधर है, और ये सीधा दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है आपको, ये बता दो बस। 1, 2, उल्टा दिखाई दे रहा है। ओके, तो एक मिनट अब सीधा दिख रहा है, अब सीधा दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, 4 सर अब उल्टा दिख रहा है, पहले सीधा दिख रहा था। अच्छा पहले सीधा सर, उल्टा दिख रहा है, पहले सीधा दिख रहा था, 2 मीटर वाले नीचे आ रहे थे, इंचेस वाले ऊपर आ रहे थे, इंचेस वाले सीधे दिख रहे थे सर, मीटर वाले ऊपर दिखाई, ये मिलीमीटर वाला ऊपर दिखाई दे रहा था पहले। हाँ सर दे रहा था, दे रहा था। No, sir. अब बताइए अब सही है सर, अभी सेंटीमीटर वाले नीचे है बट वो उल्टे है, एज एन अपसाइड डाउन है, और इंचेस वाले बिल्कुल सीधे है, इंचेस वाले बिल्कुल सीधे हैं। चलिए ठीक है, देखता हूँ
अब देखो भाई जिसको भी अब कितने बच्चों को सीधा दिखाई दे रहा है ये बता दो बस। ये बता दीजिए ये अब सीधा दिखाई दे रहा है कि नहीं? अरे अब तो कुछ दिखे नहीं रहा है। ब्लर दिख रहा। हाँ 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 दिखाई दिया मुझे। ये सीधा दिखाई दे रहा है या उल्टा? सब बोर्ड तो सीधा दिख रहा है। बोर्ड तो सीधा दिख रहा है ना, पढ़ पा रहे हो ना? यस सर। यस। अच्छा और मैं यहां पर कुछ लिखूंगा आपको सीधा दिखाई देगा या उल्टा बस ये बता देना। ये सीधा दिख रहा है या उल्टा? उल्टा क्या दिख रहा है सर? अब सीधा दिख रहा है। अब सीधा अब सही है सर। अब सही है सर। अब सही है सर। अब सही है। आस्था बताओ। सर सही है ना? सीधा है। चलिए yes, yes, अब जरा देखते हैं कि सबसे पहले बुक आपके पास खुली भी होगी और yes, इसमें आप ये देखिएगा कि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर वन की। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरे पास पेंसिल है। पेंसिल दिखाई दे रही है स्क्रीन पर? ठीक है ना। और ये स्केल है। आई थिंक स्केल के डिविजन्स भी अब सीधे दिखाई दे रहे होंगे। यस सर। हाँ तो जरा देखिएगा ये आपको यहाँ पर 14, 15 ये दिखाई दे रहा होगा और यहां से जो है ये है इस तरीके से 1, 2, 3, 4 ये इस तरीके से है। ठीक है तो देखिएगा जरा करा तो है कुछ एडजस्टमेंट। मैंने यहाँ पर स्केल लिया ठीक है और स्केल लेकर मैं सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। सेवन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ठीक है। ये यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये है। 7.6 तक जाना है तो 7.5 यहाँ पर है। 7.5 यहां पर है। मैं जाऊंगा 7.6 तक। देख पा रहे हैं? यस सर। हां जी सर। बहुत ज्यादा अच्छा तो शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा पर फिर भी कुछ थोड़ा बहुत हो जाएगा शायद। तो मैंने 1 से लेकर और ये 7.6 तक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। एग्जैक्टली 7.6 है। अब मैंने स्केल को हटा लिया। बेटा इस पॉइंट को मैंने बोल दिया A, और इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया क्या B। ये A हो गया और ये B हो गया।
ठीक है। अब ए और बी मेरे पास आ गई, ये पूरी लेंथ आ गई कितनी 7.6 सेंटीमीटर की। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद आपका जैसा मन करे, जैसा आप चाहें आप वैसा यहां पर एक लाइन बना लेंगे इस तरह से, कोई भी एक्यूट एंगल लेकर। ठीक है, देखिएगा मैंने यहां पर रखा स्केल को, और अब आप यहां पर ये देख रहे हैं कि जब मैं ये जानता हूं कि मुझे रेशो क्या रखना है इसमें, बेटा रेशो मुझे रखना है ए बी इज इक्वल टू है 7.6 सेंटीमीटर एंड आई हैव टू डिवाइड दिस लाइन इनटू अ रेशो ऑफ 5:8 है ना, तो 5:8 के रेशो में मुझे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं 5+8 करूंगा सबसे पहले, क्या 5+8 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो मैं 13 डिविजन्स बनाऊंगा, तो 13 डिविजन्स ऑब्वियस सी बात है कि इंचेस वाली साइड में बेटा अगर मैं देखूं तो आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंचेस वाली साइड में तो ये है, लेकिन सेंटीमीटर्स वाली साइड में 1 से लेकर कहां तक है 15 तक है, तो सेंटीमीटर वाली साइड मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर और पूरा 15 सेंटीमीटर तक की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैंने क्या करा, मैंने यहां पर इसको रखकर और 1 से लेकर और पूरा यहां तक 15 सेंटीमीटर तक की मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये बता दीजिए ये सब बच्चों को क्लियर है इतना? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, बस एक यस सर, एक मिनट ठहरिए। ये वाली चीज तो बेटा वो है जो शायद आपको बोर्ड पर भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं ज्यादा इसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। देखिए अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब 1-1 सब एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंसेस हैं सारे। ठीक है, तो मैं एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंसेस पर ही लेकर चलूंगा, पूरा गैप बनाऊंगा। देखो क्या, एक पॉइंट यहां लगा लिया 1 सेंटीमीटर पर, ये 2 सेंटीमीटर पर, ठीक है, फिर 3 सेंटीमीटर पर, फिर 4 सेंटीमीटर पर, फिर 5 सेंटीमीटर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और बेटा 13 से आगे जाने की मुझे जरूरत नहीं है। देख लीजिए मैंने 13 के मार्क तक लगा दिए हैं सारे पॉइंट्स। क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। Yes, ये जो मैंने रैंडमली इतनी लंबी लाइन ड्रॉ करी थी, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया, इस पॉइंट को बेटा मैंने बोल दिया X, तो दिस लाइन इज ए एक्स। चलिए जी, अगर इतना समझ में आ गया है तो अब मुझे क्या करना है, सबसे आखिरी पॉइंट जो ये 13th पॉइंट है, 13th पॉइंट से B को ज्वाइन कर दीजिए। तो मैंने क्या करा, फिर से ये स्केल रखा और 13th पॉइंट से मैंने B को ज्वाइन कर दिया। ये देखिएगा 13th पॉइंट से मैंने B को ज्वाइन कर दिया। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. जी सर। ठीक है, अच्छा जी, अब ये करने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, अब इस पेंसिल का अभी के लिए थोड़ी देर के लिए काम खत्म हुआ। अब हम उठाएंगे ये, इसमें स्केल वो सॉरी ये कंपास के अंदर पेंसिल हमने फिक्स कर रखी है यहाँ पर, इसको हमने बराबर करा यहाँ पर, ऐसे हम फिगर रख के इसको बराबर कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो बराबर करा इसको और पूरा इसको टाइट कर दिया। अब आपका मन है, मैंने बताया था ना, आपका मन है आप कितना गैप रखना चाहते हो दोनों के बीच में। आपने क्या करा, ये थोड़ा सा गैप ले लिया, बस इतना गैप ले लिया, वो आपकी मर्जी है कितना गैप लेना चाहते हो। अब ये जो लास्ट पॉइंट है ना 13th पॉइंट, इस 13th पॉइंट पर नीडल रखोगे कंपास का, ऐसे रखा नीडल, ऐसे रखा और आपने ऐसे एक आर्क बना दी। बताइए सभी बच्चों ने देख लिया? हाँ जी सर। ठीक है सर। अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने 13th पॉइंट पर लगाई है आर्क, ठीक है, अब रेशो क्या है 5:8, रेशो है 5:8, तो 5th पॉइंट पर आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5। आप देख लो ये आपके सामने ही है कंपास में, अभी तक मैंने कोई छेड़ाखानी नहीं करी है, जैसा था वैसा ही है। 5th पॉइंट पर नीडल रखो, 5th पॉइंट पर मैंने नीडल रखी ऐसे, और रखने के बाद में
अब मैं आर्क लगाने वाला हूं, मैंने ये आर्क लगा दी, बताइए जी किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ी बड़ी लगा दी यहाँ पर आर्क, बताइए इतना तो क्लियर है? यस सर, यस सर। तो आप देखिएगा मैंने नीडल कहाँ पर रखी थी, मैंने नीडल रखी थी बेटा 1 2 3 4 5, मैंने फिफ्थ पॉइंट पर नीडल रखी थी, ठीक है? और समझने के लिए आप चाहे तो मार्किंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, मैंने फिफ्थ पॉइंट पर नीडल को रखा था, ठीक। आगे के जो है वो है 6 7 8 9 10 11 12, और ये पॉइंट हो गया 13, ठीक है। अब ये करने के बाद में व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है? जब मैंने यहां पर फिफ्थ पॉइंट पर रखकर ये कर्व लगाया, अब वापस आ जाओ आप इसी को, अभी मैंने इसमें कोई छेड़ाकानी नहीं करी है। अब मैं नीडल को रखूंगा बेटा यहां पर, नीडल को इस पॉइंट पर रखूंगा, ये जो 11 और 12 के बीच में पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, नीडल को रखेंगे यहां पर और फिर इसको एडजस्ट करके ये दूरी नापेंगे, मतलब ऐसे ये दूरी, ये वाली दूरी, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। हाँ जी सर, ठीक है। नीडल को यहां पर रखा और ये वाली दूरी को मैंने नाप लिया, दिस और दिस, ठीक, ये यहां पर आ गया, ठीक है। अब इसको एज इट इज यहां से धीरे से आप उठा लीजिए, उठा लिया, उठाने के बाद में इस पॉइंट पर कंपास को लेकर आओ, कंपास को रखो इस पॉइंट पर, यहां रखने के बाद में आप एक आर्क लगा दीजिए ऐसे, लग गई, बोलो, ठीक है। मैंने क्या करा, दोबारा देखिए जी, सभी बच्चे देखें दोबारा, मैंने नीडल को यहां पर रखा और यहां पर रखने के बाद में मैंने ये वाली दूरी नापी, तो इसको मुझे थोड़ा सा बंद कर या एक्सपेंड करके मेरे को ये करना होता है, पेंसिल को और नीडल में थोड़ा सा गैपिंग को एडजस्ट करना होता है, ये एडजस्ट करके मैंने ये दूरी नाप ली, समझ गए सभी बच्चे? हाँ जी सर। फिर यहाँ से इसको उठाया, हाँ बेटा बताओ। सर जो हमने फिफ्थ पॉइंट से पहले आर्क लगाया था वो भी इसी डिस्टेंस पे था? ना 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 ना, शुरुआत में हमने अपनी मनमर्जी का, अपनी मनमर्जी का हमने कोई भी डिस्टेंस ले लिया, एनी डिस्टेंस ऑफ माई विश, कुछ भी, ठीक। वो लेने के बाद में फिर मुझे नेक्स्ट क्या करना था कि मैंने एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क मैंने यहाँ लगाई, जो आर्क मैंने यहाँ पर लगाई ना, जितना डिस्टेंस रखकर, उतना ही सेम डिस्टेंस रखकर मैंने फिफ्थ पॉइंट से एक आर्क लगा ली ऐसे, समझ गए? आंसर जो फिर फिफ्थ से, जो फिर लेको स्टार्टिंग वाले पॉइंट से लगाई जो 3 और 4 के बीच में है, उसमें उस आर्क का डिस्टेंस लिया। बस अब मैंने क्या करा, पहले तो मैंने कुछ भी रखा डिस्टेंस, पहले तो कुछ भी डिस्टेंस रखा और मैंने यहाँ पर रखकर और ये लगा लिया, आर्क लगा लिया यहाँ पर, फिर मैंने उसी डिस्टेंस पर जो यहाँ पर लिया था उसी डिस्टेंस से मैंने यहाँ पर आर्क लगा ली, यहाँ पर नीडल रखकर यहाँ पर आर्क लगा लिया ऐसे। ये करने के बाद में अब मैंने ये वाला और ये वाला डिस्टेंस कंपास में मेजर करा, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस कंपास में मेजर करा, और फिर सेम यही डिस्टेंस लेकर यहां इस पॉइंट से मैंने एक आर्क ऐसे लगा ली, ये आपको दिखाई दे रहा है, पेंसिल अभी भी इसी के ऊपर घूम रही है, समझ गए? यस सर। हां जी सर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब वापस ये सिंगल वाली पेंसिल उठा लीजिए और स्केल उठा लीजिए। अब आप क्या करो, इस फिफ्थ पॉइंट से ये जो आर्क लगी है इसको ज्वाइन करो, ये ऐसे ऐसे, हाँ ये फिफ्थ पॉइंट इधर, ये और ये कर लिया ज्वाइन। अब ज्वाइन करने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको इससे ऐसे, और अब आप देख लीजिए एग्जैक्टली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल बन गई है, और इस पॉइंट को बोल दीजिए बेटा सी, ये पॉइंट हो गया सी, बताओ समझ गए कि नहीं? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। दिवस समझ में आ गया? यस सर। अब ये जो एसी है ना, दिस इज 5 एंड दिस सीबी इज 8, मतलब ये जो एसी और सीबी ये 5:8 के रेशियो में डिवाइड हो गए,
ये 5:8 के रेशो में डिवाइड हो गया। तो अब 5:8 का रेशो क्या है? 5:8 का रेशो वो मैं बताता हूँ। देखिए 5:8 का रेशो मतलब ये हो गया कि ये जो 7.6 है ना, 7.6 इसको 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा कि मैं यहां पर उतना कैलकुलेशन जब देखेंगे, ये 5 1 5 7 - 5 कितना हो गया 2 2 6 26, तो 2 6 26 तो 5 5 25, 26 - 25 कितना हो गया 1 1 0 10, ये हो गया बेटा 1.52, ये हो गया। अब इसी तरीके से 7.6 को ये 5 था, 5 से डिवाइड करा, अब करिए बेटा 8 से डिवाइड। तो यहां पर कर रहा हूं मैं 7.6 डिवाइडेड बाई 8, 8 से करेंगे डिवाइड तो 8 से so 9.5 नहीं, ये 1.52 नहीं, ये मैंने गलत करा है, रुकिए एक मिनट। देखिए इसमें क्या करना होता है, उन्होंने बोला कि आपको स्केल से ये वाला दूरी और ये वाली दूरी, ये दोनों आपको नापनी है। वो नापने से पहले जब आपने इसको पूरे को 5:8 के रेशो में डिवाइड कर दिया, तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि रेशो में कभी भी आप सीधा सीधा वैल्यू नहीं लेते। रेशो का मतलब क्या है कि दिस विल बिकम 5x एंड दिस विल बिकम 8x, तो 5x plus 8x ये टोटल हो गया 13x, ठीक है, ये टोटल 13x हो गया। तो यानी कि अब मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरी पूरी की पूरी लेंथ है, ये जो पूरी की पूरी लेंथ है, इस पूरी की पूरी लेंथ को मैं 13x से डिवाइड कर दूंगा। ये जो पूरी लेंथ है, पूरी लेंथ कितनी थी बेटा 7.6, ठीक है। तो आप ये देखिएगा 7.6 इसको आपने 13x = 7.6 रख दिया, 7.6 = 13x ये रख दिया। तो ये जो 13 है ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, 7.6/1। अब 13 इधर आ गया तो x की वैल्यू क्या हो गई, 7.6/13। ये बताइए ये समझ में आया कि नहीं? किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 5 है तो 5 विल गेट मल्टीप्लाइड बाई x एंड 8 विल गेट मल्टीप्लाइड बाई x, तो 5x + 8x आ गया 13x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने लिख दिया ये टोटल लेंथ कितनी हो गई 13x और 13x, और वैसे जो मैंने मेजर करा था तो मैंने लिया था ये 7.6 सेंटीमीटर। तो 13x = 7.6, इसका मतलब x = 7.6/13। जब इतना आ गया तो अब मैं सीधे सीधे ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं खुद से इसमें आपको करके दिखाता हूँ, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, ठीक है। ये आया जी कैलकुलेटर, और 7.6 डिवाइड बाई 13 ये हो गया 0.58, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास x की वैल्यू आ गई 0.5846 है, 0.58 ले लीजिए बस, ठीक, हटा दिया इसको।
तो x की वैल्यू 0.58। अब इसके बाद देखिएगा, जब x की वैल्यू ये आ गई तो बेटा ये वाला पोर्शन मेरे पास रेशो क्या है 5, यानी कि ये लेंथ होनी चाहिए 5x, ये वाली लेंथ होनी चाहिए 5x और ये वाली लेंथ होनी चाहिए 8x। तो 5x कितना हो गया, 5x हो गया 5 into 0.58, ठीक है। दोबारा करते हैं, 5 multiplied by 0.58, वैल्यू आ गई 2.9। 5 multiplied by 0.58 जब मैंने करा बेटा ये आ गया 2.9, ठीक है। अब इसी तरीके से आप कैलकुलेट करें 8x, यानी कि 8 into 0.58, 8 into 0.58। और ये जो आप कर रहे हो ना पूरा का पूरा, ये आप कर रहे हो ना वेरिफिकेशन कि जो मैंने ड्रॉ करा है वो मैंने ठीक भी ड्रॉ करा है या नहीं करा। तो जरा दोबारा से देखते हैं, 8 into 0.58, 8 multiplied by 0.58, तो ये अब मेरे पास आ गया मल्टीप्लाई होकर 4.64, ठीक है, 4.64, ठीक। तो अब आप ये देख लीजिए, 2.9 प्लस 4.64, ये जो वैल्यूज हैं ये दोनों 7.6 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो जरा देखते हैं, एग्जैक्टली बराबर तो देखो शायद ना आए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, 4.64 प्लस 2.9 कितना आ गया, ये आ गया 7.54। 7.54 को मैंने अप्रोक्सीमेटली कितना ले लिया, 7.6। बताइए जी क्लियर है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 7.54 आ जाएगा। तो इसमें ये जो पॉइंट्स वाले होते हैं इसमें थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है, देखिए नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, ठीक। तो अब क्या करना है, इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था मेरे को ये देखिएगा, हाँ जी, ये एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन में इन्होंने बोला था ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड इन द रेशियो 5:8, मेजर द टू पार्ट्स, इन दोनों पार्ट्स को मुझे मेजर भी करना है, ठीक। तो वो जो दो पार्ट्स बने वो क्या बन गए, एसी और सीबी। तो जरा एसी को मेजर करते हैं एक बार, एसी को अगर मैं मेजर करूंगा तो ये हमारा एसी कितना आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक अगर मैं मेजर करने पर आऊंगा ये आ रहा है 3.1 आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो 3.1 और इधर हमारा आ रहा है 2.9, तो ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ये चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब आप कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन पेपर में करोगे तो टीचर को स्केल लेकर नहीं बैठेगा चेक करने, तो ये 3.1 आ रहा है, तो ये थोड़ा बहुत जो वेरिएशन है कि 2.9 है और 3.1 है वो चलेगा। ऐसे ही जब अगला मेजर करोगे तो इट शुड बी 4.64, तो यहां से जब इतना नाप रहे हैं तो ये देखिए, क्योंकि वो 3.1 था वो जरा सा बड़ा आ रहा था, ठीक, तो ये जरा सा छोटा आ गया, ये 4.5 आ रहा है हमारा, 4.6 के करीब आना चाहिए। तो ये जो 0.1 सेंटीमीटर का होता है, 0.1 सेंटीमीटर तक का जो वेरिएशन है वो चलता है, उतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए जी समझ में आ गया ये ड्रॉ करना, yes, ये स्ट्रेट लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना आ गया आप लोगों को, yes, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद ये कंस्ट्रक्शन वाला इसी तरह से पेन पेपर पर बताएंगे तो शायद अच्छे से क्लियर हो जाएगा, या बोर्ड पर ज्यादा सही रहेगा, है ना, बोर्ड पर मुझे लगता नहीं। बताइए लक्ष्य है, दोनों लक्ष्य बता दो, समझ में आ गया, यस सर, ठीक है। रुचिर तुम बताओ, यस सर, सक्षम, पार्थ, रुद्रांश, यस सर, रुद्रांश समझ गए, सर समझ गया, ठीक है। हाँ जी बेटा बताइए,
सर मुझे बस ये चीज पूछनी थी कि हमने यहाँ पे 5 पे आर्क लगाए थे तो हम 8 नहीं ले सकते थे क्या? 5 से जो लिया 8? हाँ जी सर, मतलब कि हमने 5 से लिया तो हम 8 से नहीं ले सकते थे? बिल्कुल सही सवाल पूछा है। अगर मान लो मैं 8 से ले लेता ना तो बेटा रेशो बन जाता 8:5, फिर 5:8 नहीं रहता रेशो, उल्टा हो जाता 8:5। ओके सर, रेशो में जो चीज मुझे पहले दे रखी है उसको लेना है यहाँ पर। ओके सर। हर्षित क्लियर है? कृष्णांशी, नव्या, तुम दोनों बताओ बेटा। यस सर, क्लियर है। दीपांशी? दीपांशी ठीक है। अर्पिता? हाँ जी सर, क्लियर है। भव्या? यस सर। मानवी? यस सर, इट्स क्लियर। और कौन बचता है? काव्या, काम्या, दोनों सिस्टर्स बताइए। हाँ जी सर, क्लियर है। और हाँ, सभी ने बताई दिया है। आस्था, क्लियर है? यस सर, मेरा हो गया। चलिए जी ठीक है, फिर आज फिर इतना ही करेंगे। अनमोल समझ गए ना? यस सर। हर्षिता ठीक है? यस सर। चलिए जी, तो फिर अब कल मैं हूँ नहीं, तो कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। नेक्स्ट क्लास आपकी फिर परसों होगी, ठीक है? और परसों का शेड्यूल फिर वही अलग अलग रखेंगे, 4 से 5 का भी और 8 से 9 का भी। वो मैं आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूंगा, ठीक है? वो जो हमारा सरफेस एरिया वाला वॉल्यूम का टेस्ट था, उसका वो कब मिलेगा? वो मुझे आप कुछ दिन दे दीजिए, थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, मैं आपको करके भेज दूंगा। ओके सर। वो मोबाइल पर चेक करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो टाइम लगता है इसलिए चेक करने में। हां जी सर, कोई। हां जी, थैंक यू सर, बाय सर।